नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफी ज्यादा अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मुंबई वुमन और गुजरात वुमन के बीच में 12वां मैच खेले जाने वाला है WPL का, और अगर आप इस मैच की मेगा ग्रैंड लीग की टीम बनाना चाहते हो जो कि एक नंबर पे भी आ सकती है, तो आपको किस तरीके से टीम को क्रिएट करना है, कौन से CVC रखना है अपनी टीम के अंदर, और रिक्सी टीम बनानी है वो किस तरीके से बनानी है। आपको पता है कि जो रिक्सी टीम होती है वही एक नंबर पे आती है, तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि इस मैच की रिक्सी टीम कैसे बनाई जाती है और हम ऐसी टीम कैसे बनाएं जो कि एक नंबर पे भी आ सकती है। तो सारा कुछ आपको इस वाले वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि इस वाले पिच के ऊपर कौन से खिलाड़ी होंगे जो कि अच्छी खासी परफॉर्मेंस करेंगे और कौन से खिलाड़ी फ्लॉप होने वाले हैं। तो यह वाली वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं विकेट कीपर वाले सेक्शन के। विकेट कीपर वाले सेक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए कौन सा होने वाला है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले के लिए यहाँ पे वाइब भाटिया देखने को मिल जाता है, फिर नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको सुषमा वर्मा देखने को मिल जाएंगे। अभी इन दोनों खिलाड़ी में से आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन सा होने वाला है, तो वो यहाँ पे वाइब भाटिया होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि पिछले 2-3 मैच खेले थे और काफी अच्छी परफॉर्मेंस करके आए थे, तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे वाइब भाटिया ही होने वाली है। बाकी जितने भी है प्लेयर इनको आप यहाँ पे ड्रॉप आउट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं बैटिंग वाले सेक्शन की। बैटिंग वाले सेक्शन में सबसे पहले यहाँ पे एच कोर देखने को मिल जाता है। एच कोर को आप चाहो तो यहाँ पे ड्रॉप आउट कर सकते हो, क्योंकि पिछले 2-3 मैच इन्होंने खेले थे उसमें से अच्छी खासी परफॉर्मेंस इनकी नहीं आई थी, तो हम इस बार अपनी ड्रीम 11 की टीम के अंदर इनको ड्रॉप आउट करके चल रहे हैं। आप भी चाहो तो ड्रॉप आउट कर सकते हो, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं आ रहा है, तो फिलहाल हम इनको ड्रॉप आउट ही कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे वॉलवार्ट देखने को मिल जाता है, तो इनका भी आपको पता है कि पिछले मुकाबले के अंदर परफॉर्मेंस नहीं आया था, लेकिन अब आने वाले मुकाबले के अंदर काफी अच्छा परफॉर्मेंस आ सकता है, तो काफी सारे लोग इनको ड्रॉप आउट करके चलेंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी टीम के अंदर लेना है, क्योंकि आपको यहाँ पे मेगा ग्रैंड लीग वाली रिस्की टीम बनानी है, तो आपको क्या करना है, ऐसे खिलाड़ियों को लेके ही चलना है। अब यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको डंकली देखने को मिल जाएंगे, तो इनको भी आपको क्या करना है, लेना है आपकी टीम के अंदर। बाकी जितने भी खिलाड़ी है आप इनको ड्रॉप आउट कर सकते हो, केवल यहाँ पे हरलिन देओल को ले सकते हो। बाकी जितने भी खिलाड़ी है आप इन सभी को ड्रॉप आउट करके चल सकते हो, यानी कि ये जो गुजरात वुमन की तरफ से ही आप यहाँ पे खिलाड़ी रख सकते हो जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको क्या करना है, ये जो तीन खिलाड़ी है ये आपको बैटिंग वाले सेक्शन से लेके ही चलना है, क्योंकि ये जो तीनों खिलाड़ी है ये काफी जबरदस्त होने वाले हैं इस बार के मैच के अंदर, तो ये तीन खिलाड़ी आपको लेके चलना है। अब यहाँ पे बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑलराउंडर वाले सेक्शन की। ऑलराउंडर वाले सेक्शन में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मितवास होने वाले हैं, इसके बाद यहाँ पे एन स्वीट देखने को मिल जाता है। तो ये दोनों जो खिलाड़ी है ये तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही है, इनको आप जरूर से लेना है आपकी टीम के अंदर। इसके बाद यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे एक कर देखने को मिल जाएंगे, इनको भी आपकी टीम के अंदर लेना है। गार्डनर को यहाँ पे आप ड्रॉप आउट कर सकते हो, क्योंकि इनका जो परफॉर्मेंस है वो इतना ज्यादा नहीं आ रहा है, तो फिलहाल मैं अपनी रिक्सी टीम के अंदर इनको ड्रॉप आउट करके चल रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ एस राणा को। इसके बाद जैसे ही नीचे आऊंगा तो यहाँ पे किम गार्थ देखने को मिल जाता है, तो ये जो पांच खिलाड़ी है ये मैं लेने वाला हूँ ऑलराउंडर वाले सेक्शन से। अब यहाँ पे दो खिलाड़ी जो लूंगा वो मैं केवल लूंगा बॉलिंग वाले सेक्शन से। अब वो दोनों खिलाड़ी कौन से होने वाले हैं, जिनमें से पहला जो खिलाड़ी होने वाला है वो मेरा होने वाला है यहाँ पे गरहम, इनको मैं अपनी टीम के अंदर लेने वाला हूं, क्योंकि इस बार के मैच के अंदर ये खेल सकते हैं 100%, तो मैं अगर ये खेलते हैं तो इनको जरूर अपनी टीम के अंदर लूंगा। इसके बाद यहाँ पे आई वोंग को लेऊंगा, ठीक है, यानी कि ये जो खिलाड़ी है ये अपनी ड्रीम 11 की टीम के अंदर लेने वाला हूं, जो कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो, और मेरी जो रिक्सी टीम है वो कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुकी है। अब इसके अंदर मैंने रिक्स क्या ली है, मैंने गार्डनर को यहाँ पे ड्रॉप आउट किया है, बैटिंग वाले सेक्शन से भी काफी सारे खिलाड़ियों को ड्रॉप आउट किया है, तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो हमारी जो रिक्सी टीम है वो कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, और मैंने खिलाड़ी किस तरीके से लिए हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि सी और वीसी के लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है। सी और वीसी आप बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे गरहम को बना सकते हो कैप्टन, क्योंकि ये भी एक ऑलराउंडर ही है, लेकिन इनको ऑलराउंडर वाले सेक्शन में नहीं डाला है, लेकिन है ये ऑलराउंडर, क्योंकि इनका सिलेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा लो है, तो हमको यहाँ पे ग्रोथ होने के जो चांसेस है हमारी टीम के वो ज़्यादा दिख जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि ज़्यादा सिलेक्शन नहीं है तो यहाँ पे कम ही लोग लेके चल रहे हैं, तो फिलहाल मैं अपनी ड्रीम 11 की टीम के अंदर इनको यहाँ पे लेके चल रहा हूँ सी कैप्टन के हिसाब से। इसके बाद यहाँ पे जो मैं VC बनाने वाला हूँ वो मैं बनाने वाला हूँ मितवास को बनाने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि इनका भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा ही आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डिफरेंट करके मैंने मेगा ग्रैंड लीग की जो रिक्सी टीम
टीम है वो क्रिएट की है, जो कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो, जिसमें से सी और वीसी कुछ इस तरीके से होने वाले हैं। ग्रहम भी काफी अच्छे बल्लेबाज है क्योंकि ये भी एक ऑलराउंडर है, तो अच्छी बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही करते हैं, तो इसीलिए मैं अपनी टीम के अंदर इनको लेके चल रहा हूँ। और वीसी जो मैंने यहाँ पे मितवास को बनाया है, बाकी आप यहाँ पे देख ही सकते हो मैंने किस तरीके से ड्रीम इलेवन की टीम को क्रिएट किया है, जो कि मेगा ग्रैंड लीग भी जिता सकती है। और ऐसी टीम में ही हमेशा मेगा ग्रैंड लीग जिताती है, आपको पता ही है, थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए और सीवीसी भी थोड़े से डिफरेंट होने चाहिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से सीवीसी रखा है। तो आप भी चाहो तो कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। बाकी ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और आगे भी अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वाली वीडियो के अंदर बस इतना ही, और मिलते नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।